जीत मूवी का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में गाना था यारा ओ यारा, बहुत अच्छा लगा हमें दोबारा सुन के। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। ये लो। अब इसकी जरूरत नहीं यार। तुझे इसी की जरूरत है। ट्याऊ। ए ए हीरो, ए चल रुक, चल थोड़ा काजल लगा दूं कहीं नजर ना लग जाए। तू मुझे काजल लगाएगा? ये ले। क्या बाबा, भाभी के नाम से अभी से करण लगने लग क्या? कहीं शादी के बाद पीयूष की तरह मत उड़ जाना। भाभी से मिलने जा रहा है चिकने, एक पप्पी तो दे दे लवली। करण भाई, ये टपोरी लोग तुमको दीदी के नाम से सताते हैं, दम्बूक लाओ क्या? ये। नहीं टाइम पास, इन हाथों ने अब इतनी बड़ी खुशी को छू लिया है, इन्हें बारूद से क्यों गंदा करना? अब हमारी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा, कोई तूफान नहीं आएगा। Yes. You. I am Rajdas Sahai, son of Mr. Ramakant Sahai. You can call me Raju. De dena jhatka. What a pleasant surprise. Agar mujhe malum hota ki mujhe dekhkar tumhare chehre pe 1000 watt ki muskan phail jati, to main kab ka aa chuka hota. Bahut jhatke dena seekh kar aaye hain aap. Hey. तुम तो दरवाजे भी फ्रीज हो गई और मैं तुम्हारी खातिर 7 समुंदर पार करके आया हूं। अंदर नहीं बुलाओगी? ओह गॉड, कम इन। पापा, देखो कौन आए हैं। कौन है बेटा? हाय अंकल। अरे राजू माय सन। अरे अरे अरे, ठंड पड़ गई। कुछ कर दिया बेटा, लेकिन ना कोई खबर ना कोई फोन आने की। अंकल अगर खबर कर देता तो यूं गले मिलकर आपके सीने में ठंड कैसी पड़ती। तुझे देखकर लगता है कि रमा मेरे सामने खड़ा है। आया नहीं वो? हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट पर उनकी मीटिंग निकल आई, शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा डैड मैं नहीं रुकूंगा, एक बार तेज हवा बाहर का रुख ले लेती तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। राइट काजल? वैसे मैंने इंडियन मेहमान नवाजी के बारे में काफी सुना है, कुछ ठंडा कुछ गर्म। इट्स ओके, जिंदगी पड़ी है। राइट अंकल, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। ओके अंकल। राजू बैठिए ना। काजल, तुम्हारे घर को देखकर ऐसा लगता है कि अपने बंगले का भी काम काफी फैंटास्टिक हुआ होगा। कोशिश की है, शायद आपको पसंद आए। तुम्हारी हर पसंद को मैं अपनी पसंद बना लूंगा, तुम देखती तो जाओ। हमने तो हमेशा आपको तस्वीरों में ही बड़े होते हुए देखा है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप इतने बातूनी भी होंगे। और मैंने तुम्हें अपने ख्यालों में जवान होते हुए देखा है, लेकिन मैं जानता था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। ओ, आपसे बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। 10 नहीं 11 बार। बेटा रमा की फ्लाइट का टाइम क्या है? अंकल उसमें बहुत टाइम है, पहले तुम अपने बंगले की शॉपिंग करेंगे काजल की पसंद से, उसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे काजल की पसंद से, उसके बाद कोई नाच गाने से भरपूर हिंदी पिक्चर देखेंगे वो भी काजल की पसंद से, और फिर उसके बाद हम डैड को रिसीव करने एयरपोर्ट जाएंगे। क्यों? काजल की पसंद से। लेकिन इस बीच मुझे कॉलेज छोड़ना मत भूलना। अंकल ये काम तो मैं सबसे पहले करने वाला हूँ, काजल नहीं मेरी पसंद से। क्यों, चलिए ना। Hey, कोई फ्रेंड है क्या? नहीं तो कोई नहीं, अंकल की फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलो ना। ओके। अंकल नजर नहीं आ रहे। Excuse me, could you tell me the time, please? That's that. सिद्धांत। रमा, रमा। कैसे हो यार? आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। सिद्धांत, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गया। नमस्ते अंकल। काजल, धान, अपनी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती है। थैंक यू। तुझे याद है जब तू बच्ची थी तो सारा सारा दिन तितलियों के पीछे भागती थी, याद है तुझे? डैड आज के तितलियों के पीछे नहीं,
आज के लिए मुझे अपने आगे पीछे भगा रही है। वेलकम बैक टू इंडिया मिस्टर सहाय। थैंक यू पीतांबर, थैंक यू। गोवर्धन क्या हाल है? एकदम फिक्स रमा भाई। वो चौधरी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आई सी। राजू तुम अंकल और काजल के साथ घर चलो, मैं भाई साहब से मिलकर आता हूँ। राइट डैड। एक्सक्यूज मी, लेट्स गो जेंटलमैन। भाई साहब। अरे रमाकांत। भाई साहब, भाई साहब। हाउ आर यू रमा? अरे तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, एज हैंडसम एज एवर, जैसे 25 साल पहले थे जब तुम मेरी बहन को ब्याह के ले गए थे। भाई साहब आप भी तो नहीं बदले, आज भी चेहरे पे वही चमक है। रियली? अब तो दुगनी हो गई साहब बाबू। कॉमन सेंस की बात है, आप जो आ गए। बेशक इसके एनआरआई बनकर लौट आने से हमारी सारी काली दौलत मोतियों से सफेद बनकर जो वापस लौट आई है। वो भी टैक्स फ्री। हाँ, यस यस ऑफ कोर्स। इसलिए मैं अपना सारा बिजनेस समेट कर हिंदुस्तान आया हूँ, इस मुल्क में सबसे बड़ा शिपिंग कॉर्पोरेशन खोलने। वाह, क्या फिक्स किया है? हा? अब कश्ती में नहीं, जहाजों में अपना माल भर भर कर आएगा। कॉमन सेंस की बात है गोवर्धन, समुंदर में मगरमच्छ उतर आए तो छोटी मछलियां खुद ब खुद किनारे लग जाती हैं। गुड गुड गुड। आओ बैठो। रमा, मैंने तय कर लिया है कि हमारी शिपिंग कॉर्पोरेशन का सरमाएदार होगा राजनाथ सहाय, मेरा भांजा राजू। और आप पर फिक्स किया आपने चौधरी साहब? कॉमन सेंस की बात है, अब कल की बागडोर नई जनरेशन को ही संभालनी चाहिए। आप सबने मेरे दिल की बात सुनी। काला देखो पीछे। राजू का एक सपना जिसे मैं बहुत जल्द साकार कर दूंगा। यस, चीयर्स। चीयर्स। 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418. अरे बैठना ठीक तरह से, उतरा क्यों है? अच्छा अच्छा बैठता हूँ। अरे तेरे वजन को क्या हो गया? वो पानी पी लिया था ना इसीलिए। ओए। नाराज हो हमसे? सच्ची? कहाँ थी कल, आई क्यों नहीं? एक दिन नहीं मिली तो इतना गुस्सा, कल को कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो? काट के रख दूंगा उसे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, लेकिन तुझे अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा। इतना प्यार करते हो हमसे? हाँ बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। अगर मैंने कुछ पाया तो तुझे, तेरे प्यार को, तू समझ रही है ना? अगर तू नहीं मिली तो यहाँ बहुत दुखता है। क्यों दुखता है? हाँ क्यों दुखता है? बस कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। याद है कि राजू की मां और मेरी भाभी ने दोनों बच्चों के लिए कुछ सपने देखे थे। Come on, Dad, आप बात को लंबा क्यों कर रहे हैं? Come to the point. मेरे पास ये पगला मगर इकलौता बेटा है जिसे अकलमंद बनाने के लिए मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। गुड जॉब। बस एक ही रास्ता है, अगर राजू की शादी हम अपनी काजल से करते हैं। रमा तू? हाँ सिद्धांत, दोस्ती के नाम पर इस घर की महक से अपने यार का घर महका दे। यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाय राजू। हाय काजल। लगता है ये दोनों दोस्त मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी तो पक चुकी है, अब सिर्फ खाना बाकी है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। बच्ची, रमा ने तुझे अपनी बेटी बना लिया है। मैं तो अंकल की बेटी हुई है ना अंकल? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नहीं, लेकिन आज बेटी के साथ साथ तुझे अपनी बहू बनाने का भी फैसला किया है। काजल मेरी बेटी पहले और बहू बाद में। काजल?
कहाँ चली बेटा? अरे भाई शर्मा गई, यही शर्म हया बड़ों का मान, अपने इन्हीं संस्कारों के लिए मैं तरस गया था। काजल बेटी के साथ साथ एक बहुत बड़ी मर्यादा मेरे घर आएगी। बस सिद्धांत अब शादी की तैयारी हो जाए। डैड अंकल कल ही काजल और मैं कंप्यूटर से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं, 2-in-1 यानी मंगनी और शादी दोनों साथ साथ। एनी प्रॉब्लम्स? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं जरा काजल से पूछ के आता हूं। अकेले में मिलने का अच्छा बहाना। अच्छा अपने दिन भूल गया। तेजी ना झटका। कल मुहूर्त निकलवाने चलना है, हमारी शादी भी एक यादगार होगी, प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल। ए, तुम रो रही हो? समझा, तुम इंडियन लड़कियां भी बड़ी कमाल होती हो, बात चाहे विदाई की हो या प्यार के इंतहा की, तुम अपनी खूबसूरत आंखों में आंसू भरकर दूसरों की नींद उड़ा लेती हो। ए, डोंट क्राई। ए, कहीं कुछ और बात तो नहीं है ना? हा? वैसे ही बुद्धूराम तुम्हें कैसा लगा? हा? मैं सुधर जाऊंगा, शादी के बाद मैं एकदम पत्नी व्रता इंडियन पति बन जाऊंगा, आई स्वेयर। खुशी के मौके पर रोते नहीं। ए, तुम्हारी चीज सुला ले जा रहा हूं, तुम्हारे सपने जॉब मेरे हैं। आई लव यू। करण बहुत खुश हो रही है तू? तू जो आ गया है पहचाना ही नहीं जाता, बिल्कुल बदल गया है। मेरी तो पूरी दुनिया बदल गई है। सच? हाँ, सोचा तुझे मिलकर सब कुछ बता दूँ। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल तो समझा। कैसे हुआ ये जादू? मुझे मोहब्बत हो गई है तुलसी। मोहब्बत? तू चाहती थी ना कि मैं मोहब्बत कर लूं, कर ली। चेहरे पे इतना नूर तुम्हारे, आंखों में इतना प्यार, ऐसा लगा मिलकर जैसे आज मिले हम पहली बार। तुलसी सोचता हूं मैंने मोहब्बत पहले क्यों नहीं की, इतना वक्त ऐसे ही गुजार दिया। दिल करता है कि दुनिया की सारी खुशियां अपनी मोहब्बत को ला कर दे दूं, सब कुछ लुटा दूं उस पर, अपनी जान भी। बस अब और सबर नहीं होता, एक बार अपनी जबान से उसका नाम ले ले। एक बार काजल, बहुत खूबसूरत है वो। काजल मिल गई, सब कुछ मिल गया, मैं उसे शादी करूंगा। मैं जानता हूं मेरी शादी की खुशी में तू बहुत नाचेगी, नाचेगी ना? हाँ। अच्छा तुलसी मैं चलता हूं, मेरी मोहब्बत के लिए दुआ करना। झूठी मोहब्बत के नाटकों के लिए तो ये कोठे हमेशा ही बदनाम रहे हैं। आज कोई हमसे नाटक खेल गया, उसे दोष मत दो भैया जी। वो तो मेरे हाथों में फूल रख लिया था, मेरी किस्मत थी जो मुठिया खोली तो अंगार निकले।
मत रो, तुलसी मत रो, तुलसी मत रो। अरे अगर तवायफों के आंसू में असर होता तो ये कोठे कब के बह गए होते तुलसी। मैं क्यों रोने लगी भला? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि काजल की जगह आंखों के अंदर होती है और तुलसी की घर के बाहर। मैं बहुत खुश हूँ पिया जी, करण की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है। मेरे आंसू देखकर अगर लौट गई तो इन कोठों की लाज ही डूब जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ पिया जी। संभाल मुन्नी, अपने आप को संभाल। पिया जी, मरने से पहले एक बार काजल को जरूर देखना चाहूंगी। कहा जाता है आज तक सिर्फ तवायफों ने लोगों के घर लूटे हैं। ये कौन सी शरीफजादी है जिसने एक तवायफ की दुनिया ही लूट ली? यार ये तवायफ कोठा तो नाम जो है ना बार बार अब सामने आ रहा है, हम क्या करें यार। और ऊपर से जोनी भाई को ऐसा बना दिया है कि इमोशनल सीन पे भी हमें हंसी आ रही है भाई, क्या करें। लड़की भाई वो अब जो संजना भाभी है हम साथ साथ वाली, इमोशनल हो गई। उसको शायद लग रहा था कि जो करण है तारा सिंह मेरे लिए आया है, मुझे अपना प्यार कहेगा, लेकिन यार वो काजल के लिए सब कुछ कर रहा है और बोल रहा है दुनिया सारी लुटा दूंगा काजल के लिए। इतनी खूबसूरत है, खूबसूरत है, हम भी देख रहे हैं। पर क्या करें भाई, हमारा भाईजान सल्लू भाई आ गए और वो भी ऐसी मस्ती कर रहे हैं भाई। काजल की पसंद थी, काजल की पसंद दोनों तरफ भाई, फेवरेट है। अब किसको हम कहें यार भाई, ये वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। इतना स्मार्ट है भाई, मजाक कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो मुझे तो वही ऐसा पसंद आ रहा है यार। भाई जान एक ही झटके वो सारी हमारी फेवरेट वही बन गया। अभी तारा सिंह भी है, पर यार क्या करें, दोनों मोहब्बती बंदे हैं यार, हमारा दिल है।